हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी टू व्हीलर गाड़ी की सलफ नहीं चल रही तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, या तो कार्बन की दिक्कत होगी या कोई और दिक्कत होगी। आओ आपको चेक कराता हूं पहले कि सलफ अगर ऐसे कर रही है तो समझ लो सलफ में प्रॉब्लम है। ये गाइस गाड़ी है, इसको हमने ऑन कर लिया, ये सलफ करेंगे। ये देखो ये टक टक कर रही है। अब इसको हम खोलेंगे, खोल के चेक करेंगे। आओ गाइस दिखाते हैं आपको। ये कार्बन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कार्बन इसके ठीक है, इसका कार्बन ये टंका टूट गया है। सिर्फ ये टंका लगाएंगे और यही कार्बन चलेंगे और सलफ आपकी चल पड़ेगी। इसी को सेट कर देंगे, कार्बन नए डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये घिस जाते, ख़त्म हो जाते तो नए डालने पड़ते। चलो गाइस पहले इसको टंका लगा लेते हैं, फिर इसको बाद इसको फिट करेंगे, फिर चेक करेंगे। गाइस इसको हमने अब जोड़ लिया है, ये देखिए इसको टांका लगा लिया, फिक्स कर लिया इसको। अब इसमें फिट करेंगे और उसके बाद सलफ चेक करेंगे। ये गैस वाला फिट हो गया। अब इसको हम ऐसे ही चेक कर लेंगे बिना फिट किए, यहीं से पता चल जाएगा कि सलफ चली कि नहीं चली है। अगर यहीं से चल गई है तो बाद में फिट करो, ओके है गाड़ी आपकी सलफ चलेगी। ये ऐसे बैटरी ले लीजिए, आप एक वायर ले लीजिए साथ में, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपकी सलफ चली कि नहीं चली। एक आपको ग्राउंड पर लगाना है अर्थ वाला, एक पॉजिटिव पे वायर लगानी है, यहीं से पता चल जाएगा कि आपकी सलफ चली है या नहीं चली। ये देखिए गाइस हमने ऐसे लगा लिया, ये सलफ चल गई। ये देखिए गाइस बिल्कुल ओके है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू गाइस।